अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हुई हूँ गुलबर्ग और यहाँ पे अपना मैं हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे हेयर बहुत ख़राब थे। तो यहाँ से मैंने हिना से लिया है केराटिन ट्रीटमेंट और उन्होंने बस मिक्स किया, कुछ बोटॉक्स किया है हेयर का, कुछ केराटिन किया है क्योंकि बाल बहुत डैमेज थे और इतने डैमेज थे कि उसमें कोई मतलब कलर भी नहीं आ सकता था। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, किस तरह किया, आई हैव नो आइडिया। उन्होंने मेरे बालों का इतना अच्छा जो मैं चाह रही थी शेड कर दिया क्योंकि ऊपर आउट हुए हुए थे। तो मैंने कहा बस आप एक इसको टोन में कर दें, तो उन्होंने बाहर बड़ा अच्छा फिक्स कर दिया इसको और अभी मेरे जो है वो हो रहा है केराटिन हो रहा है। और ये ज़बरदस्त सर्विसेज हैं, बहुत अच्छी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर किसी भी हेयर ट्रीटमेंट के लिए। और ये इनके पास बहुत बहुत सारी वैरायटी है, एक्सीलेंट सर्विसेज हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग आएँ यहाँ पे इनसे ट्रीटमेंट, आप आ जाए पीछे अभी है ना, क्योंकि ये सॉरी हिजाब करती हैं तो इन्होंने हिजाब नहीं लिया, अभी मैं इनको दिखा नहीं सकती, लेकिन फिर भी इनका जो सैलून आप बता दें, अब आप बता दें ना। बिल्कुल, हम लोग, मैं लिबर्टी में होती हूँ और हम लोग यहाँ पे हेयर के ट्रीटमेंट्स करते हैं जिनके हेयर बर्न हो जाता है बहुत ज़्यादा और कहीं पे भी उनको ऐसी सर्विसेज नहीं मिलती हैं कि बर्न हेयर को रिपेयर करें। तो हम लोग यहाँ पे हर टाइप का हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बस अभी आप मुझे बताएं आपने मेरे बालों में क्या किया सर, थोड़ा सा आप अपने फ्रंट वाला जो आपका हेयर है ये बर्न हो चुका था और ये हेयर में हमने फ्रंट एरिया को बोटॉक्स किया और जो इनका बैक एरिया, टॉप एरिया और नैप एरिया, यहाँ पे हम लोगों ने केराटिन परफॉर्म। आप लोगों को मैं अभी जो मैंने पेंटिंग की है वो मैं दिखाऊंगी और आप देखिए और बताइए। ये मैंने इसके साथ सारे पेंट्स लिए हैं जो कि एक्रेलिक पेंट्स हैं, कलर्स हैं। अब इसमें जो है ये देखें, मैं सोचूँ ग्रे और कुछ ब्लैक का कॉम्बिनेशन करूँ, साथ कुछ पीच और साथ में हैं सारे स्प्रे पेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये साथ में ग्लिटर भी लिया है, पता नहीं इसमें मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी मुझे नहीं पता। तो ग्लू गन है थोड़ा सा, इसका भी काम है मुझे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और फिर, और ये है वो पेंटिंग्स जो रेडी हुई है, गोल्डन और सिल्वर का मैंने टच दिया है और साथ में ये बीड्स पर्ल्स के जो है ये स्टिक किए हैं, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और ये सारी हॉट ग्लू गन है, उससे मैंने वो करके ना इस तरह की स्टार्स की तरह शेप वो बना के, तो फिर उसको मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट जो होता है ना, मेटालिक गोल्डन स्प्रे पेंट और किसी किसी में सिल्वर स्प्रे पेंट ले किया इस तरह, और फिर इसको ग्लू गन से ही स्टिक कर दिया। तो ऐसी भी है बन गई, बहुत प्यारी बनी है। और दूसरी पेंटिंग मैंने ये बनाया, फैदर बनाया और ये बिल्कुल ही फ्री हैंड, इसमें मैंने कोई इस तरह का स्केच नहीं किया, बस फ्री हैंड पेंटिंग है ये बनी। फैदर बनाया इसमें डार्क से लाइटर ब्राउन की तरफ आया, जैसे ब्लैक से फिर ग्रे होते 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 फिर लाइट ग्रे और फिर सिल्वर फैदर इस तरह से। और इसकी बेस जो है वो भी मैंने गोल्डन और सिल्वर और ब्लैक तीन शेड्स इसके बेस पे आए हैं कैनवस के। तो पता नहीं कैमरे में किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है कि ये बहुत माशाल्लाह अच्छी लग रही है दोनों पेंटिंग्स। तो आप लोगों को अगर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी फिर, अभी और भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं इसके, तो फिर मैं बनाती रहूँगी और आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, स्टेप बाई स्टेप बताती रहूँगी किस तरह से ये मैंने बनाई है। तो आप लोग बताइएगा अगर कोई और आइडिया आपके दिमाग में आता है कि और किस तरह की पेंटिंग, क्योंकि मैं जो हूँ वो फ्री हैंड ज़्यादा मुझे मज़ा आता है करने में, बस जो दिमाग में आ गया वो बना दिया और बस कोई स्केचिंग नहीं कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बता सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी किस तरह से मैंने पेंट किया। और इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया लाइक करने का, देखने का, सपोर्ट करने का, इसी तरह से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और थैंक यू। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज हमारे घर में कुछ लोग आए हैं बेलवी, तो अंदर से बाहर से गार्ड ने कहा कि आपके घर में कुछ लोग आए हैं जो कि सोनिया को बुला रहे हैं। मैंने कहा सोनिया को क्यों बुला रहे हैं, सोनिया जो है वो मेरी जो किचन की है उसकी बेटी है। और कहते हैं वो कह रहे हैं हमने सोनिया को जो है वो ब्लॉग्स में देखा है तो हम उसके फ़ैन,
तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखें हमारी सोनिया जो है वो सेलिब्रिटी बन गई, और ये है हमारी सोनिया। चलो जाओ, तुम्हारे फैन आए बाहर। चैंपियंस को जज्स को बंद करें पहले। क्या हाल किया, सब कपड़े खराब हो गए। नहीं बाहर चलो जाओ, बाहर जाओ, मिलो उधर ही जाओ जाओ। आपका नहीं बना रही, आयशा का बना रही। कुत्ते को जरा पीछे ही रखें, कुत्ते को पीछे। आयशा की आप फैन है? अच्छा, कपड़े गंदे हो जाते हैं। आप काटता तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आयशा से आ जाओ मिलो ना। दूर खड़ी जी, मामा के पास जाना चाह रहा हूँ, मामा अलाउ नहीं कर रही। नो नो नो, कहाँ जा रही है सर? नॉटी बॉय। नो कम हियर बडी, कम हियर, कम हियर बडी, कम हियर बडी, जैक्स कम हियर। Never. मेरे पैरों में बैठ गई। हाँ, जैक्स इधर आओ।